आई डू बिलीव कि ये रिश्ता के फॉलोइंग ज़्यादा है तो मे बी शायद ज़्यादा हीज ही हो गया है फॉलोइंग एंड थोड़ा ज़्यादा फ़ैन रिएक्शन मुझे देखने को मिल रहा है आई पी के पहले आपको पता है इतना सेंसिटिव होता है टेलीविजन का मार्केट टी भी उतनी नहीं आ रही होती हैं तो मुझे लगता है रही होगी कोई वजह कास्ट इज़ कम एंड

क्योंकि इतना अच्छा इतना बड़ा इतना लेगेसी वाला शो विद सच एन अमेजिंग कास्ट विद सच सीनियर एक्टर्स विद सच एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स उनके साथ काम करने का मौका प्लस टाइटल रोल तो आई थिंक वर नो डाउट्स मेरा सीधा यही था कि ब्रीफिंग भी ओबियसली हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर एंड आई जस्ट हर्ड कि रूही कौन है कैसी एंड आई वॉन्टेड टू डू इट एंड मेरा रिएक्शन वॉज ऑल ग्रैटिट्यूड इन लाइक टू द यूनिवर्स कि मतलब ऑब्वियसली अब डेस्टिनी होती है सी डेस्टिनी इज़ अ थिंग आई बिलीव इन इट एंड प्लस हार्ड वर्क आई फेल्ट हार्ड वर्क इज पेंग ऑफ राजन सर जैसी एक्सप्लेशन कोई भी नहीं दे सकता है अब देन अगेन फिर जब सेट पर आए तो क्रिएटिव टीम है देन uh, रोमेश सर थे देन ऋषि सर थे राम सर थे सब ने जो जो समझाया जो मैंने देखा उसका कुछ मिक्सचर बना के अपना दिमाग ऐड करके ऑब्वियसली मैंने कुछ किया है जो मैं कर रही हूँ अब धीरे धीरे आई एल ऑल्सो ग्रो ऑन पीपल आई होप प्रेशर तो एज एन एक्टर फील करना ही चाहिए बिकॉज दैट मोटिवेट्स यू बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे क्योंकि इस शो के इतने फैन फॉलोइंग है तो इज़ ऑलवेज यूर वेरी योर बींग वॉचड सो इन दिस शो फर्स्ट टाइम मैंने फील किया कि आप छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ करोगे यू आर बींग वॉच्ड ऑन स्क्रीन एंड इट्स वेरी गुड इन अ वे दैट रियली मोटिवेट्स मी टू गिव माई बेस्ट शॉट मतलब कोई भी शॉर्टेज है वो छोटा शॉट है मैं ये सोच के देती हूँ कि मुझे बेस्ट शॉट देना है वो पहले भी अप्रोच थी पर अब थोड़ा एक सॉर्ट ऑफ प्रेशर है ऑफ बींग वॉचड ज़्यादा है मतलब बट नाइस है वेरी पॉजिटिव मोटिवेट्स मी आई डू बिलीव की ये रिश्ता की फॉलोइंग ज़्यादा है तो मे बी शायद ज़्यादा हीज ये हो गया है फॉलोइंग एंड uh, थोड़ा ज़्यादा फैन रिएक्शन मुझे देखने को मिल रहा है लाइक ए सैड आई नो एम बींग वॉच पर द रिएक्शन हैज़ बीन वेरी 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 पॉजिटिव एज एन एक्टर भी काफ़ी चीज़ें अच्छी बोली जा रही हैं लुक्स वाइज मतलब कैरेक्टर की लुक होती है वगैरह सब अच्छा ही सुनने को मिल रहा है जो थोड़ा बहुत तो यार हर किसी को ही मिलता है कि ये नहीं ये नहीं बट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग इट्स बिन हंड्रेड परसेंट पॉजिटिव एंड दैट्स मेरे लिए एक्टिंग और मेरी परफॉर्मेंस ऊपर कुछ नहीं है पादेवस <laughs> अंबरी ah, uh, मैं किसी अतरंगी चैनल की पार्टी में गई थी टू मीट अ फ्रेंड एंड वहाँ पर मुझे किसी ने पहचान लिया आप ये रिश्ता में आ रहे हो ना रूही बन के देन आई रियलाइज कि बाकी शोज में भी मुझे पहचाना है निया फॉप राज और मृणाल फर बातें बट दिस हैपन वेरी क्विकली लाइक बिकॉज इट हैज़ अ बिग ऑफ फॉलोइंग ऑब्वियसली द शो Um, यही कहना चाहूंगी कि वही मैं अभी मैंने फिर से कहा मैं फिर से कहना चाहूंगी अभी कहा था मैंने uh, कि आपने गर्विता को एज निया इन मैं हूँ अपराजिता मृणाल एज इन बातें को चन गई सी और अबरूही ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं आपने तीनों कैरेक्टर्स को दो कैरेक्टर्स को तो बहुत प्यार दिया है इस तीसरे कैरेक्टर को भी आई सी दैट यू गिविंग अ लॉट ऑफ लव तो प्लीज ऐसे ही प्यार करते रहिए सपोर्ट करते रहिए एंड आई विल नेवर डिसअपॉइंट रूही क्या क्या करेंगी रूही प्यार को पाने के लिए या अपने दोस्त को खुश रखने के लिए आई थिंक बिकॉज उसके लिए खुशी बहुत मैटर करती है अरमान की आ, जो राइटर बोलेंगे वो करेगी और जो दिमाग में अपनी खुद की फीलिंग्स आएगा वो भी करेगी बिकॉज स्क्रिप्ट से ऊपर भी कुछ एडिशन होते हैं आ, तो वो पर मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ क्या करूँगी <laughs> बहुत सरप्राइजिंग uh, था मेरे लिए डेफिनेटली इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग कोई ये नहीं सोच सकता और मैं मैं लोगों से यही बोल रही थी कि मुझे नहीं याद कि कभी मैं तो मेरा तो टीवी का करियर बहुत छोटा है लेकिन मुझे नहीं याद कि मैंने उड़ती उड़ती भी कभी ऐसी खबर सुनी हुई कि कि दो लोगों को जो मेन कास्ट है उनको स्टार प्लस और डी के पी इतना बड़ा ये सब यू नो पॉपुलर शो हिट नंबर वन नंबर टॉप फाइव में शोज़ नंबर वन जोड़ी रही है हमारी उनमें से किसी को निकाल दिया गया वो भी दो लोगों का एक साथ तो इट केम एज अ बिग शॉक एंड uh, बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप था एंड uh, मतलब यही कह सकती हूँ कि बहुत ड्रास्टिक था टर्मिनेशन एंड एवरीथिंग डेफिनेटली अगर आपकी कोई बैड इमेज बन जाएगी तो आपको तकलीफ तो होगी बट uh, देखिए एक प्रोडक्शन हाउस और एक आर्टिस्ट के बीच में जो भी हुआ हो हर चीज़ जो हमें दिखती है वही मामला नहीं होता है हमें कुछ कुछ मामले पता है जो हमने देखे हैं लेकिन आ, कई सारी चीज़ें हो सकता है आ, हुई हो जिसकी वजह से ये स्टेप लिया गया हो मैं नहीं जानती पूरा पूरा मामला लेकिन मैं इतना समझ सकती हूँ कि कोई भी इतना ड्रास्टिक स्टेप वो भी आई के आने के जस्ट पहले नहीं लेगा आ, क्योंकि बहुत एक तो पंद्रह साल का रनिंग शो है कोई नहीं चाहता होगा कि बंद हो एंड प्लस दो कास्ट को जो रनिंग जो जिनको एक्सेप्टेंस मिल चुकी है प्यार मिल चुका है उनको इतना सडनली निकाल देना आई पी एल के पहले आई पी एल के पहले आपको पता है इतना सेंसिटिव होता है टेलीविजन का मार्केट टी आर पीज़ भी उतनी नहीं आ रही होती हैं तो मुझे लगता है रही होगी कोई वजह मुझे नहीं पता एग्जैक्टली exactly, पूरा पूरा मामला लेकिन हुआ होगा कुछ या yeah. बढ़िया बन रहा है अच्छा जा रहा है सो फार एंड आई थिंक वो लोग अपना एक नया एक uh, इंथूजियाज मोटिवेशन लेकर आए हैं तो कुछ बढ़िया करेंगे कुछ नया आएगा कुछ नया निकल कर जरूर आएगा हाँ मुझे भी नहीं मैंने कुछ भी सोचा नहीं था कि क्या होगा क्या नहीं होगा बस ये था कि भाई और मेहनत करनी है अब क्योंकि एक जो हमने मार्क्स सेट कर दिया था हम ऑलरेडी टॉप पे थे एक तरह से कह सकते हैं टॉप फाइव कुछ जोड़ी भी पॉपुलर थी हर चीज़ अच्छी लग रही थी सबको फ़ैन फॉलोइंग भी हो रही थी लेकिन अब इतने Uh, सब चेंजेस के बाद हमें वही चीज़ मेंटेन करना है वो भी एक नई कास्ट के साथ बट uh, उनके साथ हमने फिर इसीलिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की वो uh, हमने शूट किया मेरी ऑनेस्टली कोई बात नहीं हुई और मैं ये कह सकती हूँ कि uh, वो दोनों मेरे दोस्त नहीं थे लेकिन uh, जो भी हुआ आई आई थिंक उनके लिए बहुत एक हार्ड टाइम चल रहा होगा बिकॉज uh, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने लूज़ कर दी जिस भी वजह से तो आई uh, जस्ट थिंक की जो भी है ये भी वक्त गुजर जाएगा ये भी वक्त चला जाएगा और कुछ बेहतर ही होगा ज़िंदगी में मैं मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन में भी बोला था रिजवान भाई भी हैं यहाँ पे मैंने उनसे बोला था कि उन दोनों की ज़िंदगी में कुछ बेहतर ही हो क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ज़िंदगी में आप कहीं काम ना करो मैं बोलती हूँ गलती इंसान से होती है हो सकता है गलती हुई हो, हो सकता है जो भी है लेकिन एक आई uh, थिंक मौका मिलना चाहिए तो कहीं ना कहीं वो काम करते रहे मुझे अच्छा लगेगा होगा प्रेशर यही है कि द न्यू कास्ट इज़ कम एंड हम लोग तो वी आर देर सिंस फाइव मंथ्स एंड वी हर वेलकम देम सो वेल ऑल ऑफ अस जो हमारी कास्ट है एंड आई थिंक शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल थैंक यू सो मच बट आई एम जॉइंग दिस दादी सा रोल आई एम गेटिंग अ लॉर ऑफ फैन फॉलोइंग एंड दे आर रियली लाइकिंग character कैरेक्टर एंड बस मैं यही कोशिश करती रहूँगी कि uh, अच्छी तरह से ये मैं कैरेक्टर निभाऊँ और अच्छी तरह से निभाऊँ सबसे पहले मैं डेढ़ महीना तो था ना मैं डेढ़ महीना डे एंड नाइट मैंने डेली शूट की है उसमें भी मैंने मैंने उस स्टेटमेंट में भी सिर्फ अपना वो बताया था जो जो मैंने छोटा मोटा ऑब्जर्व किया उसके बाद सब एक्टर्स की मीटिंग हुई है उसमें राजन सर ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ किस तरीके से इस डिसीजन पर पहुंचे पाँच छः महीने से ये चीज़ें जो भी चल रही होगी वो मुझे मुझे नहीं पता मैंने सुनी है बट डेढ़ महीने का मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने अपना ओपिनियन दिया था एंड रूही के लिए तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है मैंने तो यही कहा है कि मुझे लगता है कि शायद वो मिस हो गई थी बिकॉज उसके पीछे मेरा ये रीज़न था क्योंकि वो शी वॉज उसका डेब्यू था वो नहीं थी उसको कुछ नहीं पता था सेट के बारे में और इतना पोटेंशियल था उसमें मैं उसको हमेशा कहता था यार तेरी आंखें इतनी प्यारी है ना तू इसको थोड़ा सा इसको इससे खेलना सीख लेगी ना तू तू जा तू पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी ये मेरा ओपिनियन था एज एक एक्टर का दूसरे एक्टर के लिए तो वो ऐसा क्या हुआ कि यार वो रिप्लेस हो गई तो वो एक मुझे एज अ फ्रेंड बुरा लगा कि यार कहाँ गलत गई वो समझ रहे हो आप कि अगर आप मेरे दोस्त हो कल को आपके साथ ऐसा होएगा तो मुझे वो वो बुरा लगा कि यार क्यों यार क्या यार इतना पोटेंशियल था क्या किया है इतनी अच्छी ऑपर तो हाँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी क्यों वेस्ट कर दी यार उसके लिए वो मेरा ओपिनियन था अभी उसको इतना नेगेटिवली ले लिया गया कि अरे यार मैं तो नफरत करता हूँ कोई कह रहा है मैं रूही से प्यार करता था मैं ए वन साइडेड लवर हूँ और मैं ऐसे वो हूँ पर क्या है यार मतलब मैं अब मैं सबको एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो बहुत बट बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया कि यार शिवम आ, अभी आ, मैं समझ गई मैं मैं आपकी बात समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो बट इस टाइम में माहौल ऐसा है कि आप चुप करके बैठे रहो <laughs> शहज़ादा के साथ तो आई थिंक कभी फॉलो अनफॉलो वाला था ही नहीं कुछ ऐसा hmm. प्रतीक्षा के साथ था बट शायद हो सकता है कि वो भी ऑडियंस के जो नेगेटिव तरीके से रिएक्ट हुई वो देख के उसको भी शायद ऐसा लगा हो कि यार शिवम ने ऐसा बोल दिया बट मुझे एक्चुअली क्या होता है वो जो मैंने देखा वो जो टाइटल था ना न्यूज़ का वो थोड़ा सा मसाला मसालेदार था बट okay. अगर आप वो पूरा उसको पढ़ेंगे ना पूरे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है तो शायद उसने भी शायद वो पहली दो लाइन टाइटल पढ़ के कि यार शिवम ने ऐसा कैसा बोल दिया बट पता नहीं मुझे नहीं पता अभी मुझे भी फैंस ने बोला उसने आपको अनफॉलो कर दिया है ये है मुझे भी ऐसे मुझे भी लगा तो मैंने भी अनफॉलो कर दिया बट कुछ ऐसा नहीं है अभी मैं बात करूँगा उससे कि क्या हुआ तूने कुछ गलत तो नहीं समझाया बट आई एम जस्ट गिविंग दैम ऑल्सो टाइम बिकॉज इतना बड़ा एक तरीके से इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम ऑल्सो ना कि समझने को कि हुआ क्या हमारे लिए मुश्किल है तो उनके लिए भी कितना मुश्किल होगा आराम से जब चीज़ें ठंडी हो जाएगी खुद डिस्कस करके विल सॉट इट आउट जो बा, पहली बात तो मैं भी वो उसी का एक्टर हूँ उनके शो का मेरा समझाना एक तरह से बनता ही नहीं है और दूसरी बात है कि हम मेरा किसी भी एक्टर के साथ एक्सेप्ट अनीता मैम क्योंकि उनसे मेरी डेली बात होती है हम ग, एक गुरुजी को फॉलो करते हैं तो हम डेली बात करते हैं बाकी किसी एक्टर के साथ भी मेरा ऐसे रेगुलर ट में मैं मतलब होती है बात इंस्टा पे कभी हाई हेलो हो गया बट ऐसा डेली वाइज़ नहीं है तो उनके साथ भी ऐसा डेली वाइज कभी नहीं था क्योंकि सब काम कर रहे हैं तेरह चौदह घंटे बाद आते हैं घर पे सबकी अपनी फैमिलीज़ हैं हमारी भी अपनी फैमिलीज़ हैं बिजी हो जाते हैं फिर मैं दो ढाई महीने से घूम ही रहा हूँ आप सब मेरा इंस्टाग्राम देख रहे होंगे कभी घूम रहा हूँ कभी काम कर रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ तो वो नहीं रहा मैं बस वेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाए मैं बात करूँगा ज़रूर क्योंकि प्रतीक्षा के साथ मेरी दोस्ती है तो मैं उससे बात करूंगा कि क्या है तो सबका एक माइंडसेट होता है कि मुझे इस तरह से काम करना है प्रोडक्शन को चाहिए इस तरह से तो उसमें क्रिएटिव डिस्कशंस भी आप एक वन ऑफ द थिंग्स मान सकते हो दॉ ऑफ फ्रिक्शन हैपनिंग तो वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हुई और उसी का ये रिजल्ट था बट शॉकिंग था बिकॉज किसी ने ये नहीं सोचा था कि निकाल देंगे ये था कि हाँ समझाएंगे चीज़ें सॉर्ट करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे बट वो हुआ नहीं एंड वो चीज़ वेरी शॉकिंग बिल्कुल uh, इस वर्ड में बहुत वेटेज है एंड अगर ऐसा बोला जा रहा है तो वो एक कह सकते हैं एक तरीका है किसी पर्टिकुलर चीज़ को बयां करने का अनप्रोफेशनल प्रोफेशनलिज़म का मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं पोटेंशियली एंड इसी वजह से लोग स्पेकुलेट भी कर रहे हैं जहाँ तक माना जाए बट अब जो भी हुआ है खैर डिसीजन uh, था हमारे प्रोडक्शन का एंड uh, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है बट आई एम रियली आई वॉन्ट टू कन्वे दिस टू देम दट दिस गाइज़ वर ऑर द वेरी बेस्ट प्लेस एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड वो ऑलरेडी हमारे टच में रहेंगे ऑब्वियसली मैं शहजादा भाई हूँ चाहे प्रतीक्षा हो मैं उनके टच में रहूँगा एंड वी आर देयर फॉर देम क्लैरिटी की बात है आई थिंक सबसे ज्यादा क्लैरिटी से भी कोई जवाब दे सकते हैं आज के पॉइंट में तो वो शहजादा और uh, प्रतीक्षा ही होंगे बट जहाँ तक मैं कह सकता हूँ हमसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी एंड हम लोग बहुत अच्छा जलप कर चुके थे एंड महाबलेश्वर के टाइम से अभी तक एज एन आर्टिस्ट एज अ ह्यूमन बीइंग हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो चुका था तो कहीं ना कहीं अब ये हमारे बीच में तो फ्रिक्शन था नहीं इट वॉज दर्ट इट वॉज नॉट द आर्टिस्ट इट वॉज द प्रोडक्शन प्रोडक्शन की जो चीज़ें होती हैं ना वो बैक बैकहेंड पे होती हैं यू नो फॉर एक्जाम्पल अगर प्रोडक्शन का बंदा मुझे कॉल करता है दैट ऋषभ आपको क... अभी मान लो अभी मेरे को बोल दें चार घंटे बाद वापस आना है तो मैं प्रोडक्शन को कहूँगा पॉसिबली मुझे नहीं आना है वो कहेंगे नहीं आना इट्स इंपॉर्टेंट अब उसमें हो सकता है मेरी बहस हो जाए यू नेवर नो लेट वगैरह आई डोंट थिंक यो लेट आता था मेरे को इसका ऑनेस्टली आइडिया नहीं है सबको कॉल टाइम अलग मिलता है मुझे शायद आठ बजे बुलाएंगे उनको शायद दस बजे बुलाएंगे या किसी को सात बजे बुलाएंगे <laughs> तो इसका आप गैस भी नहीं कर सकते कौन लेट है कौन नहीं तो एज एन आर्टिस्ट वी कांट गेस ओनली प्रोडक्शन नोज कि भाई कौन लेट है नहीं इसके बाद तो अभी मेरी बात नहीं हुई मेरी थोड़ी सी बात हुई थी इवन दो इस टॉपिक बात नहीं हुई मेरे हाल चाल मैंने लिया था और उन उनसे मेरी बात हुई थी एंड आई विश दैम ऑल द लक ऑब्वियसली दिल से थैंक यू बट अभी जो होना था वो तो हो चुका है एज एन आर्टिस्ट उनके हाथ में अभी कुछ नहीं है फिलहाल मैंने यही बोला कि आपको नेक्स्ट नेक्स्ट जो भी आपके शो होंगे उस, उसके सेट पर मैं आके आपसे ज़रूर मिलूँगा नहीं यार मैं एक्चुअली इतने सालों से काम कर रहा हूँ तो प्रेशर नहीं होता ऑफकोर्स यू फील बैड समटाइम्स फॉर द एक्टर जिसको आप रिप्लेस कर रहे हो बट but... मुझे अपना काम करना है और इस कैरेक्टर को मुझे अपनी तरह से प्ले करना है तो प्रेशर जैसी कोई बात नहीं है आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैं राजेंद्र सर के साथ में काम कर रहा हूँ और ये रिश्ता जैसे ब्रांड शो के साथ मुझे एसोसिएट करने का मौका मिल रहा है सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल